देखिए, कक्षा 12 रसायन विज्ञान पार्ट 2 में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर हेलो एल्केन था हेलो एरिन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हेलो एल्केन था हेलो एरिन का वर्गीकरण। अब आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उनके नेमिंग पढ़ेंगे, नामेन क्लेचर यानी उनका नामकरण। तो कामन नेम और आईपीएससी नेम पढ़ेंगे। कामन नेम को हिंदी में साधारण नाम और आईपीएससी नेम को यही आपको बोलते हैं। अब देखिए, आपको जो हेलो एल्केन आपको होता है, आपको ये अगर एक हैलोजन ग्रुप लगा है तो उसको मोनो बोलेंगे, दो लगा है तो उसको डाई बोलेंगे, अगर तीन लगा है तो ट्राई, चार लगा है टेट्रा, पांच लगा है पेंटा, छह लगा है तो हेक्सा। अगर एक ही कार्बन, अगर केवल एक ही कार्बन पे सभी आपको हैलोजन ग्रुप लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चार लग सकते हैं, लेकिन अगर आपको अलग अलग कार्बन पर लगे हैं तो आपको चार से ज़्यादा भी आपको हो सकते हैं। तो चले आपको यहाँ पर आते हैं, तो हम पहला केस क्या ले रहे हैं, फार मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन के लिए यानी अगर एक हैलोजन ग्रुप आपको लगा होगा तब, तो कॉमन नेम क्या होगा, एल्किल हैलाइड। यहाँ पर एल्किल को हम R से डिनोट करें, हैलाइड को X से। तो यहाँ X का मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको हो सकता है, यही हिंदी में आपको एल्किल हैलाइड। आईपीएसी नेम इसका होगा हेलो एल्केन। अब इसमें देखिए, अगर आपको इस तरीके से नाम लिखेंगे हैलाइड, तो हैलाइड वर्ड को कैसे यूज करेंगे, तो अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड होगा, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड लिखेंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड लिखेंगे, आयोडीन होगा तो आयोडाइड लिखेंगे। अब इस वाले में आइए, इस वाले में आपको क्या हैलो एल्केन है यानी हैलो शब्द, तो हैलो को कैसे यूज करेंगे, अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, फ्लोरो क्या, एफ एल यू ओ आर ओ, अगर सी एल होगा तो क्लोरो, सी एच एल ओ आर ओ, क्लोरो, अगर बी आर होगा तो ब्रोमो, बी आर ओ एम ओ, अगर आयोडीन होगा तो आयोडो। तो हम यहाँ पे प्रेफिक्स, अब प्रेफिक्सेस फॉर हेलो एल्केन, अब कॉमन नेम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रेफिक्स में हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, यन, आइसो, यन मीन्स नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी और नियो, ये हम प्रेफिक्स यूज करेंगे। प्रेफिक्स उसको बोलते हैं जो पहले नाम के पहले लिखा जाता है, प्रीफिक्स माने यानी जो पहले लगा हुआ है। तो पहला प्रेफिक्स हम यूज करें यन, तो इसमें क्या लिखा, इट इज यूज फॉर अनब्रांच्ड एल्केन। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, अनब्रांच्ड एल्केन का मतलब आपको स्टेट चेन के लिए, यानी आपको खुली श्रृंखला हो उसमें कोई ब्रांचिंग न हो। इट इज यूज फॉर सी ग्रेटर आर इक्वल टू फोर, इसका मतलब ये जो आपको यन, जो प्रेफिक्स यन यूज किया जाता है, चार या चार से अधिक आपको कार्बन होगा तब यूज किया जाएगा, और यन का मतलब होता है नॉर्मल यानी अनब्रांच्ड चेन। अब इसके एग्जाम्पल पर हम लोग आते हैं, चले एग्जाम्पल पर आते हैं हम लोग। मान लिया हम लोगों ने ले लिया CH4। देखिए, वैसे तो हम नामकरण यहां पर करेंगे हेलो एल्केन का, लेकिन पहले हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का नाम लिख लेते हैं, उसी के हिसाब से इसका नाम लिखा जाएगा। CH4 ले लिया, अगला ले लिया CH3, CH2, CH3 या इसी के नीचे ही लिख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल आपको हो गया CH3, CH3, फिर अगला एग्जाम्पल ले लिया CH3, CH2 और CH3, अगला ले लिया CH3, CH2, CH2, CH3 और एक और ले लिया CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। देखिए, ब्रांचिंग कहाँ से पॉसिबल है, ब्रांचिंग आपको यहाँ से पॉसिबल है। कैसे, जैसे ये वाला आपने कार्बन यहाँ से हटा के यहाँ पे जोड़ दिया, तब आपको जनक श्रृंखला तीन कार्बन को होगी और एक ब्रांच होगा। लेकिन अगर इस कार्बन को यहाँ से हटा के यहाँ पे जोड़ दोगे, अभी आपको ये स्टेट ही आपको रहेगा, तो ब्रांचिंग यहाँ 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 तो नहीं पॉसिबल है, अब इसके आगे से ही पॉसिबल है। तो आपको ये जो ब्रांचिंग आपको कहाँ से पॉसिबल है, वो चार कार्बन से पॉसिबल है, इसलिए कंडीशन आपको यहाँ पे चार से ही आपको शुरू हो रही है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है मेथेन। इसका ये सब नाम आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये है मेथेन।
पहले रूट वर्ड एक कार्बन है मेथ, और एक कार्बन के लिए आपको प्राइमरी सफिक्स होता एन, तो क्या हो जाएगा? देखिए नामकरण आपने पढ़ा हुआ है, यहां चलिए आईपीएससी नेम अभी हम लोग लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हो आप आईपीएससी नेम में? आईपीएससी नेम में सबसे पहले आप लिखते हो प्रेफिक्स, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रेफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद लिखते हैं हम लोग सेकेंडरी सफिक्स। इस वाले में कोई भी आपको प्रेफिक्स मौजूद नहीं है, यानी ये वाला मौजूद नहीं है, ये वाला किसी में मौजूद नहीं है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं मौजूद है किसी में भी, इसलिए ये दो खत्म हो गए। अब आपको रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स, तो सबसे पहले रूट वर्ड को लिखा जाता है। तो चूंकि जनक श्रृंखला में एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा? एक कार्बन के लिए रूट वर्ड आपने पढ़ा है मेथ। उसके बाद अगला नंबर आएगा प्राइमरी सफिक्स, एक ही कार्बन है, प्राइमरी सफिक्स मतलब आपको जनक श्रृंखला के कार्बन कार्बन के बीच में बांड, एक ही कार्बन है तो इसके लिए एन यूज किया जाएगा। अगर आप इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा मेथेन, एम ई टी एच ए एन ई, आप इसी को हिंदी में लिख सकते हैं मेथेन। तो ये है मेथेन। चले इस वाले पे आते हैं, इसका नामकरण अगर हम लोग करें तो बताइए इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा? एथ, ई टी एच। उसके बाद अगला आएगा प्राइमरी सफिक्स, तो जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में बांड सिंगल है तो सिंगल के लिए एन, तो आपको ये हो जाएगा एथेन, ई टी एच ए एन ई, हिंदी में आप लिखेंगे एथेन। इसी तरीके से अगला ये बताइए क्या है? तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा? प्रोप, और जनक श्रृंखला में सभी कार्बन के बीच में सिंगल बांड है तो सिंगल बांड के लिए क्या होगा? एन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। उसी तरीके से यहां भी आपको चार कार्बन है तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूट। उसके बाद आपको क्या होगा? सभी जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल बांड है तो सिंगल बांड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या यूज किया जाएगा? एन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। लेकिन यहां से हम लोग क्या करेंगे? एन वर्ड यूज करेंगे। ये देखिए आपको इसमें कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉर्मल एल्केन, तो ये हो जाएगा एन ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन ना लिख करके हम इसको लिखेंगे एन ब्यूटेन, बी यू टी ए एन ई, तो ये इसका आपको कॉमन नेम हो गया। उसी तरीके से यहां पर आपको पांच कार्बन है तो पेंटेन, तो इसका कॉमन नेम आपको हो जाएगा एन पेंटेन, पी ई एन टी ए एन ई। तो एन मतलब आपको क्या है? अनब्रांच के लिए यूज किया जाता है, यानी अगर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है तो नॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है कॉमन नेमिंग में। ब्रांचिंग होगा तो उसके लिए अन्य आपको प्रेफिक्स यूज किए जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर छह कार्बन की श्रृंखला होगी तो नॉर्मल हेक्सेन, सात की होगी तो नॉर्मल ऑक्टेन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा एल्केन के लिए, जब हम नाम यहां पर एन वर्ड कहां से यूज करेंगे, जो प्रेफिक्स एन है वो चौथे कार्बन से शुरू करेंगे। तो जब चार कार्बन की सीधी श्रृंखला है तो नॉर्मल ब्यूटेन, पांच के है तो नॉर्मल पेंटेन, छह के है तो नॉर्मल हेक्सेन। इसके पहले तीन कार्बन है, दो कार्बन एक कार्बन, तो नॉर्मल वर्ड यूज नहीं करेंगे। हमको नामकरण क्या पढ़ना है? हेलो एल्केन का कॉमन नेम और आईपीएससी नेम दोनों। चले अभी आपने पीछे एग्जाम्पल पहला क्या लिया था? CH4, यानी इससे चार हाइड्रोजन जुड़े हैं। और नामकरण किसका पढ़ना है? मोनो हेलो एल्केन का। मोनो मतलब एक से होता है। अब यहां पर एक हाइड्रोजन हटा किसके जगह पे हम लोगों ने क्या लगा दिया? हेलोजन। तो अगर एक हेलोजन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? यहां भी हाइड्रोजन और यहां पर क्या हो जाएगा? हेलोजन। अब ये हेलोजन में यहाँ फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। अगर इनको कंप्रेस शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़ा है तो CH3, और इससे आपको एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये हो गया CH3X। तो अगर आपको CH3X है, CH3X, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा?
तो इसका कॉमन नेम होगा देखिए कॉमन नेम कैसे यहां पे लिखा जा रहा है अभी आपने पीछे लिखा था तो इसके लिए कॉमन नेम आपको होता है एल्किल हैलाइड। तो यहां पर बताइए एल्किल एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए एल्किल क्या होगा मेथिल। एल का मतलब आपको रूट वर्ड एक कार्बन है तो उसके लिए जगह मेथ दो कार्बन है इसका देखिए जनरल नेम आपने क्या पढ़ा था एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ये जनरल नेम आपने पढ़ा था क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या एक है तो यहां एल के जगह पर आप क्या लिखेंगे मेथ एल के जगह पर लिखेंगे मेथ उसके आगे क्या लगा वाई एल उसके बाद यहां पर क्या है हैलाइड तो ये हो जाएगा मेथिल हैलाइड। अगर यहीं पर मान लिया अगर आपको यक्स न होकर के मान लिया अगर आपको क्लोरीन लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा मेथिल क्लोराइड तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड एम ई टी एच वाई एल सी एच एल ओ आर आई डी ई मेथिल क्लोराइड आप इसी को हिंदी में लिख सकते हैं मेथिल क्लोराइड। चले इसके आईपीएससी नेम पर आते हैं आईपीएससी नेम क्या होता है आपने लिखा था हैलो एल्केन तो आईपीएससी नेम आपने लिखा था हैलो एल्केन। देखिए आखिर ऐसा आपने क्यों लिखा आईपीएससी जो नेम होता है आईपीएससी जो नेम होता है उसमें सिस्टम क्या होता है सबसे पहले प्रेफिक्स लिखते हैं उसके बाद रूट वर्ड लिखते हैं उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं उसके बाद हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्योंकि इसमें प्रेफिक्स मौजूद नहीं है और इसमें सेकेंडरी सफिक्स भी मौजूद नहीं है सेकेंडरी सफिक्स केवल इसमें यही दो आपको मौजूद हैं तो चूंकि आपको इसमें जनक श्रृंखला में केवल एक ही कार्बन है तो रूट वर्ड में एक कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है मेथ और इसमें क्लोरीन जुड़ा है तो ये आपको क्लोरो हो जाएगा तो इसमें इसमें आपको प्रेफिक्स मौजूद है यहाँ सी एल क्या है यहाँ सी एल आपको प्रेफिक्स है तो इसमें प्रेफिक्स मौजूद है और क्या मौजूद है रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये आपको मौजूद है नहीं तो इसको नहीं लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखिए आपको यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है तो ये हो जाएगा क्लोरो क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है तो वन क्लोरो तो इसका लोकेंड फिक्स है तो लोकेंड लिखना जरूरी नहीं है एक कार्बन है एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा मेथ और एक ही कार्बन है तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा एन तो अगर इसको मिला देंगे तो नाम क्या हो जाएगा क्लोरोमेथेन तो इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा क्लोरोमेथेन। तो जो आपने हैलो एल्केन लिखा था हैलो एल्केन तो एक्चुअल में इसमें क्या है केवल प्रेफिक्स है रूट वर्ड है और प्राइमरी सफिक्स है ये हैलो क्या है ये प्रेफिक्स है ये एल्क क्या है रूट वर्ड है और एन क्या है प्राइमरी सफिक्स इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए आपको इसमें सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा तो इसी चीज को यहां हैलो के जगह क्या है सीएल तो सीएल को लिखेंगे क्लोरो क्लोरो उसके बाद एल्क एक कार्बन के लिए एल के जगह पे क्या लिखेंगे मेथ तो क्लोरो मेथ उसके बाद एन ये हो जाएगा क्लोरोमेथेन तो इसका आईपीएससी नेम हो गया क्लोरोमेथेन। चले अगला एग्जाम्पल आते हैं अगला एग्जाम्पल मान लिया आपने सी एस थ्री सी एस टू सी एल ले लिया ये जो यहां पर तीन कार्बन था एक कार्बन तीन आपको हाइड्रोजन था एक हाइड्रोजन निकाल के उसके जगह पे आपने क्लोरीन लगा दिया अब इसका कॉमन नेम क्या होगा कॉमन नेम हमने आपको पीछे लिखाया था कॉमन नेम इन जनरल कैसे लिखा जाता एल्किल हैलाइड तो यहां बताइए जनक श्रृंखला में कुल कितने कार्बन है दो कार्बन तो दो के लिए आपको एल्क क्या होता है एथ होता है तो ये हो जाएगा एथिल एथिल जनरल नेम इसका है एल्किल हैलाइड तो एल्किल के जगह पर यहां दो कार्बन है तो दो के लिए आपको एल्क क्या होता है एथ होता है तो एथिल हो गया देखिए आपने ये लिखा था एल्किल हैलाइड
जनरल नेम आपने ये लिखा था, यानी एल का प्लस वाई एल और उसके बाद हैलाइड। तो एल का मतलब आपको कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो कितने कार्बन परमाणु है इसमें, दो, तो दो के लिए एल के जगह पर क्या लिखेंगे, एथ, उसके आगे वाई एल, उसके आगे हैलाइड, तो क्लोरीन है तो ये हो जाएगा क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। तो ये हो गया एथिल क्लोराइड। आप इसी को हिंदी में लिख सकते हैं ETHYL CHLORIDE, तो एथिल क्लोराइड हिंदी में आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, एथिल क्लोराइड। चले IPAC नेम पर आते हैं। IPAC नेम आप कैसे लिखेंगे, तो जनरल आपको, तो IPAC नेम आपको इन जनरल आपने क्या लिखा था, हैलो एल्केन। तो जनरल नेम आपने लिखा था हैलो एल्केन। एक्चुअल में आपको जो IPAC नेम होता है, सबसे पहले प्रेफिक्स लिखते हो, उसके बाद रूट वर्ड लिखते हो, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। क्योंकि आपको इसमें ये आपको ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसको हम प्रेफिक्स की तरह बिहेव करते हैं, तो इसमें आपको मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स आपको मौजूद नहीं है। तो यहाँ हेलो के जगह पर क्या लिखेंगे, क्लोरो। अब देखिए अगर नंबरिंग करेंगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, अगर ये क्लोरीन या तो इससे जुड़ सकता है या इससे जुड़ सकता है, अगर इससे जुड़ा होगा तो इधर से नंबरिंग करेंगे पहला और दूसरा, तो यानी इस क्लोरीन को हमेशा इससे जुड़ा होगा तब भी पहला नंबर, इससे जुड़ा होगा तब भी पहला नंबर, तो यानी आपको इसका जो प्रेफिक्स है वन क्लोरो है, और वन आपको यहाँ पर क्या है, फिक्स है, तो वन लिखना जरूरी नहीं है, तो केवल हम क्या लिखेंगे, क्लोरो, CHLORO। तो हेलो के जगह क्या लिखा, क्लोरो, तो ये प्रेफिक्स हो गया। उसके बाद रूट वर्ड, तो रूट वर्ड में क्या होता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, दो कार्बन परमाणु है तो एथ, तो ये हो जाएगा एथ। तो एल के जगह पे लिख दिया एथ, उसके आगे क्या है, अब जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल के लिए एन यूज किया जाएगा, तो ये हो जाएगा एन, तो ये हो जाएगा क्लोरोएथेन। इसी तरीके से अगर हम तीन कार्बन की श्रृंखला लेते हैं, CH3 CH2 CH2 और ये Cl, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एकदम उसी पैटर्न से हम यहां पर, तो उसी पैटर्न से अगर लिखेंगे तो देखिए दो कार्बन के लिए एथ, तो तीन कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोप, तो यहां प्रोप लिखेंगे, उसके आगे वाई एल, तो प्रोपिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपिल, PROPYL, प्रोपिल क्लोराइड। लेकिन यहां पर आपको बता दे, यहां लोकेंड लिखना जरूरी है, सॉरी आपको ये कॉमन नेम है तो यहां लोकेंड लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर IPAC नेम पर आएंगे, IPAC नेम पर आएंगे तो IPAC नेम बताइए आपको इसका क्या होगा, इसका होगा हेलो एल्केन। ये आपको हेलो क्या है, प्रेफिक्स, एल का क्या है, रूट वर्ड, और एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स। तो आपको इसमें चौथा जो आपको सेकेंडरी सफिक्स वो मौजूद नहीं है, तो हेलो के जगह पर यहां देखें, अगर क्लोरीन नंबरिंग करेंगे पहला दूसरा तीसरा, ये क्लोरीन इससे भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है, क्लोरीन अगर इससे जुड़ा होगा तो पहला नंबर, अगर इससे जुड़ा होगा दूसरा नंबर, यहां लोकेंड बदल सकता है, इसलिए यहां लोकेंड लिखना जरूरी है। तो यहां हेलो के जगह पर क्या लिखेंगे, वन क्लोरो। इसके बाद एल्क, तीन कार्बन की श्रृंखला है, तो तीन कार्बन, जनक श्रृंखला में तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए यहां पर एल के जगह पर क्या लिखेंगे, प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोप, PROP। उसके बाद आगे क्या है, जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा एन। तो इसका कॉमन नेम हो गया प्रोपिल क्लोराइड, और IPAC नेम हो गया वन क्लोरो प्रोपेन।